सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण मंत्रालय के सख्त आदेश के बावजूद इलाहाबाद में अस्पतालों और नर्सिंग होम का संक्रमित बायोमेडिकल वेस्ट खुलेआम सड़क पर फेंका जा रहा है। खुले में फेंका जा रहा ये बायोवेस्ट आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। ये नजारा है इलाहाबाद का, जहां सड़क किनारे खुले में फेंका गया है कचरा। ये कचरा अति संक्रमित है, जरा गौर से देखें। यह है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे इस तरह फेंकना कानूनन अपराध है। और तो और, कूड़ा बीनने वाले इसे हाथों से उठा रहे हैं। इस तरह हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, दूसरे के लिए काम करते हैं, इतना जानते हैं कि 200 रुपए महीना मिलता है हमको। खतरनाक है तो भी काम कर रहे हैं। हाँ, क्या करें, रोज सीरीज लगती है हाथ में, रोज सीरीज लगती है हाथ में, ऐसे बीनते बीनते बस घुस जाती है हाथ में, दाब के फिर खून निकाल लेते हैं बाद में। नियम के मुताबिक सभी अस्पतालों से सुरक्षित बैग में बायोमेडिकल वेस्ट को उठाया जाए और फिर इंसिनरेटर में जलाया जाए, ऐसा करने के आदेश हैं। जब अधिकारियों से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने भी माना कि खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट खतरनाक है और जो अस्पताल ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकांश हॉस्पिटल्स ने फेरो बिल्डहार्ड, यहाँ पर जो कॉमन फैसिलिटी है वो फेरो बिल्डहार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि नैनी में स्थापित है, और अधिकांश अस्पतालों ने वहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है और इनका वेस्ट भी वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाता है। हम लोग इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। अगर इस प्रकार की घटना प्रकाश में आई है, जहाँ की सहारा समाचार ने जो अवगत कराया है, तो हम इसकी जाँच कराएंगे और कोई जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। या एक इस वक्त बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट का काम फारूक कंपनी कर रही है। इलाहाबाद के अलावा प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और वाराणसी का कचरा भी ट्रीटमेंट के लिए इलाहाबाद ही आता है। सड़कों पर फेंके जा रहे कचरे को लेकर तमाम विभाग एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी थोप रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी, सहारा न्यूज ब्यूरो, इलाहाबाद।